यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार की मोहरी डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये मैंने अपनी दोनों साइड की मोहरी के लिए बुकरम ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है, यह आप देख सकते हैं। लंबाई आपको अपनी मोहरी के हिसाब से लेनी है। बुकरम को मैंने कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लिया है। आपकी चिपकने वाली बुकरम ना हो तो दोनों साइड में सिलाई भी लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी मैचिंग के हिसाब से गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है। अगर आपका कपड़ा प्रिंट वाला ना हो तो आप कोई भी दूसरा कलर का कपड़ा ले सकते हैं, जो भी आपकी ड्रेस पे अच्छा लगे। और ये हमारी सलवार है जिस पे हम मोहरी बनाएंगे। इसकी बाकी की स्टिचिंग मैंने कर ली है, अब मैं इसकी मोहरी बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की बुकरम को लेंगे और इसका हम बीच सेंटर करेंगे। इस तरीके से बीच में से मोड़ के और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 3 इंच पे, और एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। 6 इंच की हम मोहरी रखेंगे तो मोहरी के बीच सेंटर में हमने एक निशान लगाया है। इस निशान को हम दोनों साइड में लगा लेंगे और अब हम इसको ऐसे खोल के रखेंगे। इसके बाद में मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनका भी हम बीच सेंटर कर लेंगे। ये देखिए, और जो हमने यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पे हम इन ट्राइंगल्स को अटैच करेंगे। और इसके बाद में देखिए, हमने जो ये लंबा सा कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 1 से 1.5 इंच रखी है और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के इस पे सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद में हम इसको बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसको ऐसे रखेंगे और कपड़े को हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का डिजाइन मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन सेम तो नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता है। तो वो डिजाइन मुझे बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैं अपनी इस सलवार के ऊपर भी उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता ये डिजाइन बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर ली है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड में ये कपड़ा है जो इस तरह का आएगा। और अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, 6 या 6.5 इंच पे आप लगा सकते हो। और ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे, ये देखिए। और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 4 इंच पे, ये देखिए, 4 या फिर 3.5 इंच पे लगा सकते हो। और यहाँ से देखिए, हम 3.5 इंच वाले निशान पे इस तरीके से गुलाई देंगे यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ से हम अपने पोंचे की कटिंग कर लेंगे। और देखिए, इस शेप में हमारी मोहरी तैयार होगी। अब मैं एक कपड़ा लूंगी, ये देखिए, इस कपड़े को मैं नीचे की तरफ ऐसे रखूंगी और यहाँ पे भी मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाऊंगी। मैंने कपड़े की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप इसको थोड़ी कम भी ले सकते हैं। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद में देखिए, हमारे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग है जो फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ से मैं कपड़े को ऐसे मोड़ूंगी और इस पे भी मैं पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाऊंगी। ध्यान रखना है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए।
और अब मैं उल्टी साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और इसके बाद मैं इसको अपनी सलवार के ऊपर अटैच करूंगी। ये मैंने अपनी सलवार की बॉटम ली है तो इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे जो इसका बीस सेंटर है ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सलवार का बीस सेंटर है और ये मोहरी का बीस सेंटर है। तो यहाँ से हम ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी आपको बिल्कुल पाइपिंग के नीचे लगानी है, यानी कि पाइपिंग की जड़ में आपको सिलाई लगानी है। अब इसके बाद देखिए मैं इसको ऐसे रखूंगी और मोहरी को सीधी साइड में पलट लूंगी। ये सिलाई हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी और ये हमारी मोहरी इस तरीके से सीधी साइड में हमने पलट ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के इस पे सिलाई लगाएंगे और इस ट्रायंगल को हम ऐसे उलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम इस साइड में पलटेंगे और इस पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ भी इस पे सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद में देखिए आपको जिस डिजाइन में धागा डालना है उस डिजाइन में आप धागा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से धागे डालूंगी। देखिए एक मैं बड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ के सिलाई लगाऊंगी। मैं अपने पोंचे में दो ही सिलाई लगाऊंगी लंबाई में, ये देखिए। और इसके बाद में मैं यहाँ से इसकी नोक पे से सिलाई लगाना शुरू करूंगी इस तरीके से। और यहाँ पे कम से कम मैं 1 इंच का गैप छोड़ूंगी बीच में। ये देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ पे है तो 1 से हम 1.25 इंच का गैप छोड़ेंगे और इस डिजाइन में हम पूरे पोंचे में धागे डाल लेंगे। तो ये हमारा जो बर्फी डिजाइन होता है, जैसे हम बर्फी की कटिंग करते हैं या फिर शक्कर पारे की कटिंग करते हैं, उस तरह का ये डिजाइन बनेगा। ये सेम कलर का धागा है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं बाद में इसको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी ताकि आप डिजाइन को भी देख सकें। और जो हमने ट्रायंगल्स लगाया है इसके ऊपर हमको सिलाई नहीं लगानी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी मोहरी में धागे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में मैं इस पे बटन अटैच करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें बटन लगाऊँगी। आप कोई भी कलर का बटन्स लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं 2 कलर के बटन लगाऊँगी और इसको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि तैयार होने के बाद में ये कैसी दिखेगी। ये आप देख सकते हैं हमने अपनी मोहरी को कंप्लीट कर लिया है और दोनों साइड में हमने बटन्स भी अटैच कर लिए हैं। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर मोहरी बनके कंप्लीट हो गई है। और ये हमारी दूसरी साइड की मोहरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बटन्स पसंद नहीं है तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। सिंपल भी ये बहुत ही सुंदर लगती है और बटन्स लगने के बाद में तो इसमें अलग ही एक लुक आ जाता है। और पंजाबी सूट सलवार में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन